हेलो फ्रेंड, मैं शिशिर शर्मा। आज रिएक्ट जीएस में 27th ट्यूटोरियल स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम रिएक्ट जीएस में लॉगिन की स्क्रिप्ट पे काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने जावास्क्रिप्ट स्टोरेज के बारे में बताया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा मैंने लोकल स्टोरेज को फोकस किया था। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में लॉगिन स्क्रिप्ट पे काम करेंगे, जिसमें हम लोकल स्टोरेज को यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे चलता हूँ और कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। अब मैं अपने सिस्टम की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे सामने रिएक्ट ऐप ओपन है और जो कि ब्राउज़र पे चल भी रहा है। ये वही रिएक्ट ऐप है जिस पे मैंने इससे पिछली वाली वीडियो पे भी काम किया था। मतलब इससे पिछली वाली वीडियो पे तो मैंने जावास्क्रिप्ट स्टोरेज के बारे में बताया था, ठीक है, और उससे पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कर्ड ऑपरेशन को कम्प्लीट किया था, जहाँ यूज़र का रजिस्ट्रेशन था, यूज़र को व्यू, एडिट, डिलीट ये बनाया था, ठीक है। बट आज के वीडियो में मैं यूज़र लॉगिन स्क्रिप्ट पे काम करने जा रहा हूँ। और ये जो कर्ड ऑपरेशन बना है यूज़र लिस्ट का, इसको मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि रिएक्ट जेएस की ट्रेनिंग भी चले और साथ में एक प्रोजेक्ट टाइप का भी बन जाए। उस मोटिव से मैं इसे बता रहा हूँ। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैं लॉगिन स्क्रिप्ट में काम करता हूँ, यूज़र लॉगिन। और नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं ऐसा करूँगा, इस यूज़र्स की जगह इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा, ताकि मतलब होगा क्या, एक पहले यूज़र लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद अपने प्रोडक्ट को ऐड करेगा, ठीक है, ये और एडिट व्यू बिल्कुल इसी तरह होगा, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं अपने यूज़र लॉगिन के स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे सामने ये वाला पेज आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे लॉगिन का पेज चाहिए, ठीक है। और जब यूज़र लॉगिन करेगा तो वो किस पेज पे आएगा, वो इस पेज पे आएगा, ठीक है। मतलब अभी तो इस पेज में मैं इसको ले आऊँगा लॉगिन करने के बाद, बट नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ, सबसे पहले मैं लॉगिन बनाता हूँ, लॉगिन पेज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे app.js से जाना चाहिए और ये स्टोरेज तो हटा ही देना चाहिए, क्योंकि ये तो मैंने लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और ये जो है, सबसे पहले जहाँ ये होम पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इसी को देखता हूँ ये क्या है, ये तो होम का ही है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को देखता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा जल्दी बन जाएगा। यूज़र रजिस्टर वाले कंपोनेंट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको लिया, सेलेक्ट ऑल कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। और मैं एक फ्रेश कंपोनेंट बनाता हूँ login.js के नाम से, और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे मुझे, एक तो मुझे यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है, और मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, ये हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इस कंपोनेंट को कॉल भी कर लेता हूँ app.js पे जाके, app.js पे जाऊँगा और इससे फ़िलहाल होम तो हटा ही देता हूँ, देखेंगे बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे। लॉगिन कर देता हूँ उसे, ठीक है, ये देखिए लॉगिन करते ही ऊपर लॉगिन भी लिख के आ गया।
देखते हैं कैसा हो रहा है। ये बना दिया, इसे मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ। ऐसे ठीक है, ये लॉगिन पेज है। अब इसमें मतलब मैंने यूज़र रजिस्टर वाला पेज कॉपी कर लिया था, ठीक है। अब हम इसमें चेंजेस करते चले जाएंगे। तो लॉगिन के लिए मैं क्या करता हूँ, ये वाला था हमारा कंपोनेंट। ओके, वैसे तो मुझे नैव बार भी नहीं चाहिए इसमें, बट नैव बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ऐप डॉट जे एस पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये नैव बार लगा हुआ है। नैव बार हमें कब चाहिए, जब यूज़र लॉगिन कर लेगा, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं ऐसा करता हूँ, ये नैव बार यहाँ से हटा देता हूँ। ऐप डॉट जे एस से जाता हूँ, यहाँ से जाके नैव बार हटा देता हूँ, ठीक है। इधर हटा दूंगा तो ये आना बंद ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखते हैं, ये बंद हो गया, ठीक है। और अब वो तो सभी में आना बंद हो गया होगा, खैर बाकी में भी लगाऊंगा। और मैं क्या करता हूँ, लॉगिन वाले पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूज़र लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। यूज़र लॉगिन हो गया। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे केवल दो ही फील्ड चाहिए, ठीक है। एक कर देता हूँ ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लूँगा मैं। ईमेल आईडी, ओके, ईमेल आईडी का बना हुआ था तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईमेल आईडी का बना हुआ है हमारे पास, पासवर्ड का ही बना हुआ है, बाकी हटा देता हूँ मैं। और यहाँ पे कर देता हूँ लॉगिन, ठीक है। ये हो गया, अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये बन गया हमारा लॉगिन का। डिजाइनिंग मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं करी है, ठीक है, क्योंकि ये रिएक्ट जेएस का ट्यूटोरियल है, लर्निंग है, और बट इसे मैं छोटा भी कर सकता था, बट आगे कर लूँगा, ठीक है। फिलहाल मैं इस पर लॉगिन की स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू करता हूँ। तो अब देखते हैं, पहले इसको देखते हैं सबमिट करने पे वैल्यू हमें मिल रही है नहीं मिल रही है। सबमिट फॉर्म किया और ये तो फील्ड होएंगी नहीं हमारी, ये सब हटा देता हूँ, नेम हटा देता हूँ, और ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है, ये मिल गई। और इसमें से मुझे नेम, ईमेल चलेगा, और ये क्या है, नेम, सॉरी नेम हटा देते, नेम की ज़रूरत नहीं है। पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड चाहिए होगा, बाकी मैं इसको हटा देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, पहले रन करके देखता हूँ, सही चल रहा है नहीं चल रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँगा पहले, कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, बट कंसोल में कुछ एरर्स आ रही हैं, पहले इनको सही करता हूँ। फॉर की एरर है, ओके, क्या एरर आ रही है, इनवैलिड प्रॉपर्टी फॉर, डू यू मीन एच टी एम एल फॉर, ओके ओके ओके, पहले इसको सही करता हूँ। ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी क्योंकि लेबल में यहाँ फॉर लिखा है, यहाँ एच टी एम एल फॉर बोल रहा है, ठीक है। इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद इसको क्या करने कह रहा है, करने को इसको बोल रहा है एच टी एम एल फॉर कर दो, ठीक है, एच टी एम एल फॉर कर देता हूँ इसे, एच टी एम एल फॉर, ठीक है। और देखते हैं, अब देखते हैं कंसोल से रिमूव हुआ एरर, रिफ्रेश करेंगे, ओके, अभी एक एरर और दिखा रहा है, क्लास कल टू क्लास नेम, इसको भी सही कर लेता हूँ, कंट्रोल एफ, क्लास जहाँ पे है, जहाँ क्लास इक्वल है वहाँ क्लास नेम कर देता हूँ मैं, ये एक भी कर देता हूँ, सही,
क्योंकि पूरा कंप्लीट इसलिए सही कर रहा हूँ ना, क्योंकि लास्ट में मुझे ये प्रोजेक्ट गिट पे अपलोड कर देना है और दे देना आप लोगों को। ठीक है, सेव कर देता हूँ, अब देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू फिल करके कंसोल में प्रिंट करके देख लेता हूँ कि मुझे वैल्यू मिल रही है नहीं मिल रही है। और अभी फ़िलहाल के लिए कुछ फालतू का कोड जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है मुझे, उसे रिमूव कर देता हूँ। इसमें से इस कंडीशन की भी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है अभी फ़िलहाल। इसकी एंडिंग है, इसको भी हटा देता हूँ। ठीक है, सिंपल फॉर्म बन गया। अब मैं यहाँ पे इसको एक बार ये देख लेता हूँ कंसोल में प्रिंट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये कंसोल डॉट लॉग ईमेल कंसोल डॉट लॉग पासवर्ड, ओके, और अभी फ़िलहाल के लिए इस मैसेज को भी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे कहने मतलब मुझे अभी एपीआई भी चलानी नहीं है। ठीक है, इसे भी कमेंट कर देता हूँ अभी। चलो कमेंट किया, मैं सीधे से करता ही हूँ, पहले वैल्यू चेक करूँ, वैल्यू आ रही नहीं आ रही है। यस, शीर्षक पीएचपी डेवलपर और इवन टू थ्री, तो ये वैल्यू हमें यहाँ मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा यूज़र लॉगिन का फॉर्म रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, लॉगिन की एपीआई से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मेरे पास लॉगिन की एपीआई बनी हुई है, मैं पोस्टमैन को ओपन करके चेक कराता हूँ आपको। मेरा पोस्टमैन ओपन हो गया है और मेरे पास ये लॉगिन की एपीआई है जिसमें मैंने वैल्यू भी डाली हुई है। इसको मैं सेंड करके देखता हूँ। यस, मेरी एपीआई चल रही है। कहने का मतलब है जब भी किसी एपीआई से कनेक्टिविटी करो तो पहले एपीआई को रन करके देख लो कि एपीआई चल रही है नहीं चल रही है। ठीक है, और मैं करता हूँ यहाँ पे रॉन्ग वैल्यू डाल के देखता हूँ। लॉग इन अनसक्सेसफुल, ठीक है, और करेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमको ये यूज़र की डिटेल मिल रही है, यूज़र का टोकन वगैरह ये सब मिल रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अब मैं इस एपीआई को कनेक्ट करूँगा, इस एपीआई को कॉपी करूँगा सिंपल, और कोड तो है ही मेरा लगा हुआ, यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। और ये वैल्यू आ जाएंगी हमारी। ठीक है, अब फिलहाल मैं इसका रिस्पांस चेक कर लेता हूँ कंसोल में कि रिस्पांस में हमें क्या मिल रहा है। कंसोल डॉट लॉग रिस्पांस लिखता हूँ। ठीक है, वैसे इसमें रिस्पांस में स्टेटस 200 आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी और इसमें ये रिस्पांस मिल जाएगा। अब चलिए, अब मैं रन करके देखता हूँ इसे। ये वैल्यू डाली शिशिर पीएचपी डेवलपर 123, 123 पासवर्ड डाला। यस, इसका मतलब हमें ये वैल्यू मिल गई, मतलब जो एपीआई के अंदर हमें रिटर्न होके मिल रहा था वो अब हमें रिएक्ट जेएस में फ्रंट एंड में मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम पहले इनको प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर चलते हैं। ये हमें क्या मिला, डाटा मिला, डाटा के अंदर हमें क्या मिल रहा है, रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स मिल गए। इसमें हमें टोकन वगैरह सब मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं मैं इसको एक लोकल स्टोरेज में सेव करा लेता हूँ। फिर वो लोकल स्टोरेज हमारा कहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। अभी ये लोकल स्टोरेज ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं अब एक लोकल स्टोरेज, अब आ रही है लोकल स्टोरेज के यूज़ करने की बात। ठीक है, मैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम लूँगा। ठीक है, और यहाँ एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र इन्फो। ठीक है, और यहाँ पे जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लगाऊँगा क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट स्टोर करना है। ठीक है,
पूरा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स के अंदर डाटा है, और डाटा के अंदर क्या है, रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास डाटा था और डाटा के अंदर रिकॉर्ड्स थे, ठीक है, डाटा के अंदर रिकॉर्ड्स थे, यस हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ, इसको ये लोकल स्टोरेज में जा रहा है, नहीं आ रहा है, वन टू थ्री, वन टू थ्री पासवर्ड डाल दिया। मैं ऐसा करता हूँ, इसको वो कर देता हूँ ब्लैंक। अब इसका ये देखता हूँ कि इसका लोकल स्टोरेज बना, यस लोकल स्टोरेज में सेव हो गया। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि लॉगिन के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं अब एक बार और क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। ये ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है, मैंने यहाँ से फिल किया, ठीक है, और ये हमें यहाँ मिल गया था कंसोल में, जो कि मैंने प्रिंट करके दिखाया था। अब इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, ये एक्चुअली मेरा कोड ना पहले से बना हुआ रखा था, मैंने अभी आपके सामने कॉपी किया था ना यूज़र रजिस्टर वाला, तो उसमें ये एक्सॉस की एपीआई कनेक्ट थी, ठीक है, उसी में क्लियर कर देता हूँ। तो ये ट्राई ब्लॉक है, ये सब मतलब इससे पिछली वाली वीडियो में मैं ये सब बता चुका हूँ, एक्सॉस पोस्ट ये सब बता चुका हूँ। अगर क्लियर नहीं है तो पिछले वाली वीडियो में आप इसको समझ लीजिएगा, बट यहाँ पर आपको बस केवल ये समझना है कि यहाँ पे एक्सॉस के थ्रू पोस्ट एपीआई कॉल करी ये वाली, और इस यूज़र ऑब्जेक्ट को भेज दिया, ठीक है। वो यूज़र ऑब्जेक्ट मेरा ये है, यहाँ पे कैसे क्या किया है, अपेंड वगैरह ये सब मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो फिलहाल क्या किया, हमने इसको एक्सॉस के थ्रू पोस्ट एपीआई कॉल करी, इस एपीआई कॉल किया, इसको हमने भेज दिया, वहाँ रिस्पॉन्स में हमें स्टेटस क्या मिला था, 200। वो हमें कैसे पता चल गया था, वो एक तो हमें एपीआई से पता चल गया था कि स्टेटस 200 है, इसीलिए हमने कंडीशन लगा दी, और फिर हमें यहाँ पे भी पता चल गया था कंसोल में, कंसोल में रिस्पॉन्स में स्टेटस वेरिएबल मिल रहा था, डाटा भी मिल रहा था और स्टेटस भी मिल रहा था। तो हमने क्या किया, स्टेटस अगर 200 है उस केस में क्या करेगा, ये लोकल स्टोरेज में सेव करेगा, ठीक है। और ये यूज़र इन्फो एक हमने एक लोकल स्टोरेज वेरिएबल क्रिएट कर लिया, और जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई इसलिए लगाया है क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे ये हमारे स्ट्रिंग लेता है। लोकल स्टोरेज जो होता है, मैं अभी आपको फिर से दिखा भी देता हूँ, लोकल स्टोरेज जब आप लिखेंगे डॉट सेट आइटम करेंगे तो देखो ये दिखा रहा होगा स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में लेता है। इस वजह से हमें ऐसा करना पड़ता है कि हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। कन्वर्ट कर देते हैं तो वो पूरा वो ऑब्जेक्ट जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के थ्रू इसमें हमने स्टोर कर लेंगे, और उसके बाद ये हो गया काम खत्म, ये आपका लॉग। अब आपको क्या करना है, रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब रीडायरेक्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम, इसमें होता है यूज नेविगेट, नेविगेट, ठीक है, ये रिएक्ट राउटर डॉम का यूज नेविगेट होता है, इसके थ्रू करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट कह लो या वेरिएबल कह लो क्रिएट कर लेता हूँ, सपोज मैं क्रिएट कर लेता हूँ नेविगेट के नाम से कर लेता हूँ, यूज नेविगेट, ठीक है। अब मैं यहाँ आता हूँ, लिखूँगा नेविगेट, और जहाँ हमको इसे ले जाना है, सपोज मुझे इसे कहाँ ले जाना है, यूज़र लिस्ट पे लेके जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यूज़र लिस्ट करूँगा, अब देखते हैं, ये यूज़ फॉर्म, इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, रिएक्ट हुक फॉर्म देखता हूँ, चलो लगा रहे हैं इसको, देखते हैं अभी क्या आ रहा है। यस लॉगिन हो गया, ठीक है, बट ये एरर जो आ रही है ये मैं देखूँगा बाद में,
क्यों आ रही है एरर, अब इस पर टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो यूज़ फॉर्म का है, अभी यूज़ फॉर्म का मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो फ़िलहाल ये लॉगिन हो गया है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे लॉग आउट करवाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे हटा ही देता हूँ थोड़ी देर के लिए, लॉगिन हो रहा है। अब ये यूज़र लॉगिन वाला है ना, कहाँ है यूज़र लॉगिन वाला, यूज़र अपने लिस्ट पेज में पहुँच गया। ऐप डॉट जे एस पे जाऊँगा मैं, लॉगिन करने के बाद इस गेट यूज़र वाले पे आया, ठीक है, यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, नैब बार कॉल कर लेता हूँ, नैब बार कॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे नैब बार बनाया था ना मैंने, ठीक है। तो कहने का मतलब है लॉगिन करके आ गया है, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे एक लॉग आउट का लिंक बनाऊंगा, नैब बार के अंदर ही जाके बना देता हूँ। मतलब नैब बार मैं सब में कॉल कर यूज़ कर लूँगा, अभी नैब बार में आता हूँ, यहीं पे मैं बना लेता हूँ, एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। बट यहाँ पे मुझे, एक सेकंड को, पहले मैं लॉग आउट लिखता हूँ पहले मैं, ठीक है। और मैं ये लिंक नहीं बना पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे एक फंक्शन कॉल करना होगा, ठीक है, लॉग आउट पे। इसकी भी जो ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन क्रिएट करूँगा मैं, लॉग आउट नाम का ही बना लेता हूँ, लॉग आउट, ठीक है। और वो लॉगआउट फंक्शन मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट लॉगआउट, ठीक है, मैंने एरो फंक्शन बनाया। अब यहाँ पे मैं लोकल स्टोरेज को रिमूव करूँगा, बस मेनली डॉट रिमूव कर दूँगा, ठीक है। और उस लोकल स्टोरेज का नाम क्या है, यूज़र इन्फो। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने यूज़र इन्फो नाम का बनाया था, यूज़र इन्फो नाम का बनाया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है। और रिमूव करने के बाद बस रीडायरेक्ट करेंगे हम, बस सिंपल यूज़ नेविगेट लगाता हूँ मैं, यूज़ नेविगेट, ओके। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, नेविगेट, नेविगेट इक्वल यूज़ नेविगेट बनाया, और इसको मुझे बस केवल एक रीडायरेक्ट करना है, नेविगेट और रीडायरेक्ट। कहाँ रीडायरेक्ट कर दूँ, होम पेज पे कर देता हूँ, ठीक है, लॉगिन पेज पे। इसको पहले यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है। और क्या है, इसमें एक और एरर दिखा रहा है, HREF में ये लगाता हूँ, ओके क्लियर, देखते हैं। लॉगआउट कर दिया, बाहर आ गया। अब हम इससे चेक करेंगे कि हमारा लॉगिन सही से चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, ये देखिए, हमारा लोकल स्टोरेज डिलीट हो गया। अब मैं फिर से करता हूँ, चेक करने का तरीका, पहले मैं डिटेल भरूँगा, जैसे मैं इसे लॉगिन करूँगा तो लॉगिन हो जाएगा, और इसकी आपको ये लोकल स्टोरेज में आपको इसकी वैल्यू दिखाएगा कि ये वैल्यू यूज़र की सेव हो गई है, ठीक है। और जब लॉग आउट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू को डिलीट कर देगा यहाँ से, बस ये लॉग आउट हो गया। रिडायरेक्ट तो हम कर ही लेंगे, साथ में हमें वैल्यू रिमूव करनी होती है। तो ये था हमारा लॉगिन। तो आज के वीडियो में मैंने आपको लॉगिन बता दिया है, फिर से मैं एक बार कर लेता हूँ,
आज के वीडियो में मैंने आपको लॉगिन बताया है। अब एक बार लॉगिन करता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं और पेजेस मतलब जो यूज़र लिस्ट देख रहे हैं ना, इसको मैं प्रोडक्ट लिस्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। मतलब एक API बना लूँगा प्रोडक्ट लिस्ट की, और प्रोडक्ट लिस्ट करके सारे प्रोडक्ट बना दूँगा, ठीक है। और ये रजिस्टर की जगह कर दूँगा एड प्रोडक्ट, और यहाँ कर दूँगा व्यू प्रोडक्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब है, यूज़र पहले आएगा, लॉगिन करेगा, अपने प्रोडक्ट को ऐड करेगा और लॉग आउट कर सकता है, ठीक है। अभी और इसमें और भी बहुत काम बाकी है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको लॉगिन और लॉग आउट बताया है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमें, क्योंकि क्या है, जब कमेंट और फीडबैक मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो कैसा कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो फिनिश होता है। धन्यवाद। बाय बाय।